श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आए हैं शिव पार्वती विवाह में। तो हर साल सावन के महीने में इस तरीके से मंदिर में शिव विवाह का आयोजन होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है और बहुत चहल पहल है और हम भी आ गए हैं। देखिए, जैसे विवाह में जितनी भी रस्में होती है ना, वो सब यहाँ पर निभाई जाती हैं, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, कन्यादान, फेरे, विदाई, दान दक्षिणा, दहेज जो भी दिया जाता है ना दान के रूप में, श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र आदि, बहुत सारी चीज़ें दान में दी जाती हैं, वो सारी रस्में निभाई जाती हैं। विदाई भी की जाती है और कुछ विदा में भी दक्षिणा मिलती है, सभी को मिलती है, प्रसाद का वितरण होता है, सभी लोग झूम झूम करके नृत्य करते हैं। शिव पार्वती विवाह का सारा वृत्तांत महाशिव पुराण के अनुसार सुनाया जाता है। एक आंटी बीच में खड़े होकर के सभी को माइक लेकर के कथा सुनाती हैं। और देखिए, बच्चे जो शिव पार्वती बने थे उन्होंने भी नृत्य किया और इसके बाद में होगी आरती गणेश भगवान की, भगवान भोलेनाथ की। तो ऐसे बहुत ही आनंद आता है। ये पूरा प्रोग्राम 3-4 घंटे का था और कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। इतना आनंद आ रहा था, इतनी भक्ति की शक्ति मिल रही थी, इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी कि बहुत आनंद आ रहा था। और देखिए, विदा में हमें 5-5 रुपए भी मिले सभी को। भोग आरती के बाद में प्रसाद का वितरण किया गया, बहुत सारे आइटम्स थे प्रसाद के अंदर। तो सारे प्रसाद को समेट करके मैं अपने घर आ जाऊंगी क्योंकि मेरा शाम का पूजन नहीं हुआ है। शाम को पूजन करके ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी। और बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मुझे प्रसाद में मिली ना, जिसे देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, सभी लेडीज़ खुश हो जाती हैं, मुझे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और साथ में छोटा सा कंघा भी मिला है, तो बहुत खुशी हुई। और ऐसे हम आरती ले लेंगे, आप भी आरती ले लीजिए। क्या आप भी कभी शिव पार्वती विवाह में गए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखिए, शादी का घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ।